शिवसेना यूबीटी के नेता और दक्षिण मध्य मुंबई से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनिल देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ कहेंगे, नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? बस अच्छी तरह से आपने जिस तरह से हमको ग्रीटिंग्स दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नॉमिनेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अभी दो मिनट में हम निकल जाएंगे। 2019 से लेकर 2024 के बीच में महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत कुछ बदला है। शिवसेना विभाजित हो गई है, दो गुटों में बट गई है। आपके सामने राहुल शिवालय हैं, कितनी बड़ी चुनौती? हर चुनाव चुनौती ही रहता है, कोई चुनाव सीधा रहता नहीं है। तो जो भी चुनौती है, जिस जो हमारे साथ थे अब वहाँ पे है, तो लोगों ने ये देखना है, लोग ये देख रहे हैं कि किसने क्या काम किया है, कितना लोगों के साथ रहे, क्या लोगों की समस्याएं पूरी की, लोगों के प्रश्न जो थे वो वहीं पर है, बढ़ गए हैं, महंगाई कम की गई है, बेरोजगारी का मामला जो लोगों के सामने है उसके लिए कुछ उत्तर उन्होंने दिया है। एनवायरनमेंट हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक डेंसिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, आपके माध्यम द्वारा भी दिखाया जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री हो, लगातार रैलियां कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इस बार किस तरीके का माहौल है? क्या विपक्ष एनडीए गठबंधन को एक टफ फाइट देने के लिए तैयार है? एनडीए गठबंधन को टफ फाइट, वो एनडीए गठबंधन सोच रहा है। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के साथ में महाराष्ट्र की पूरी जनता है। एक अंतिम सवाल, दक्षिण मध्य मुंबई के लिए आपके पास सर क्या कुछ ब्लूप्रिंट है, क्या क्या कुछ आपने सोच के रखा है कि अगर चुन के आते हैं? लोगों के सामने तो धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये दक्षिण मध्य मुंबई के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के अनिल देसाई को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जनता को ये अब तय करना है कि वो किसके साथ है। जनता जो गद्दारी करके दूसरे पार्टी में शामिल हुए, दूसरा गुट बनाया, उनके साथ हैं, या जो पार्टी के प्रति ईमानदार रहे उनके साथ हैं। तो अनिल देसाई ये कह रहे हैं कि ये तय जनता को करना है। हालांकि ये अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं।